अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल हसन है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ होम डिपो के गार्डन सेंटर में। होम डिपो का गार्डन सेंटर ये भी एक बहुत अच्छा इनका गार्डन सेंटर है। इसमें भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखते हैं, जिस तरीके से जो दूसरे जो गार्डन सेंटर्स हैं उसी की तरह इनके पास भी जो वैरायटी है अच्छी खासी वैरायटी है और इनका भी अच्छा खासा बड़ा सेटअप होता है। और यहाँ पे भी जिस तरीके से जब मैं यहाँ पे गया मैंने देखा तो इनका जिस तरीके से जो स्टोर्स होते हैं उसके बाहर इन्होंने बहुत सारी खास तौर पे स्पेशली ये जो बकेट टाइप की सी जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा थी रखी हुई थी। और इनके जो प्राइस भी कोई रीज़नेबल थे कि अराउंड तकरीबन कोई $17 की थी, कोई 20 की थी, कोई 25 की थी। और इनकी जो ये फ्लावर की बकेट सी थी इसमें तकरीबन 4 or 5 वराइटीज़ के फ्लावर्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने एक जो गार्डन सेंटर बनाया हुआ है तो इसमें भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छी वैरायटी रखी हुई है। मगर जिस तरीके से अगर प्राइस को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में तो यहाँ पे भी तकरीबन जो प्राइजेज हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में मुझे जो लगे मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो 25% प्राइस ज़्यादा है। क्योंकि ओवरऑल तकरीबन जितने भी यहाँ पे गार्डन सेंटर्स हैं उनमें प्राइजेज तकरीबन थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही हैं। और यहाँ पे भी जो जिस तरीके से जो वैरायटी जो रखी हुई है जो स्टार्ट होती है $3 or $4 की होती है, मगर $3 to $4 की जो एक तो प्लांट का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, वो ज़्यादा एक तो बड़ा साइज़ का नहीं होता और उसकी वैरायटी भी कम ही होती है। कि जो लोग लेने के लिए आते हैं ना सबसे पहले उनका टारगेट ये होता है कि ये वाले प्लांट्स को ले लें जो चीप वाले हों, क्योंकि हर किसी के वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और उसकी रेंज में आ जाते हैं। तो हर कोई किसी की कोशिश होती है 4-5 ये डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से चूज़ करके वो ले लें। और उसके अलावा जिस तरीके से जो बाकी जो वैरायटीज़ हैं इनके प्राइसेस हुई हैं जिस तरीके से कि इन लोगों ने भी हुई है इनके तकरीबन एवरेज प्राइस $8-$10 से स्टार्ट होते हैं, जो कि एक जो छोटे जो साइज़ होते हैं प्लांट का उससे जो थोड़ा सा बड़ा जो साइज़ होता है ये उसके प्राइजेस तकरीबन वही $8 से स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इसके प्राइजेज हैं वो तकरीबन अब डिपेंड करता है आप जिस तरह का जो प्लांट चाह रहे हैं, कोई $20 का भी है, 30 का भी है, 40 का भी है, 50 का भी है, इस तरीके से जाते हैं। और यहाँ पे भी इन लोगों के पास अच्छी खासी एनुअल की भी वैरायटी भी है और पिनियल की भी वैरायटी है। अच्छा, तो यहाँ पे इन लोगों ने गार्डन सेंटर के अलावा भी जिस तरीके से जो दूसरी जो चीज़ें होती हैं गार्डनिंग में यूज़ होती हैं उसका भी एक इनके पास बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि ये एक प्रॉपर हार्डवेयर स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, क्योंकि आप इनका बड़ा सेटअप है। तो इन लोगों ने हर चीज़ रखी हुई, जिस तरीके से जो गार्डनिंग का सामान होता है, जिस तरीके से जो इनके जो वाटर के जो पानी देने के पाइप्स होते हैं, उनके जो होजेज होते हैं, नोजल्स होते हैं, डेकोरेशन का जो गार्डनिंग का स्टफ़ होते हैं, गार्डनिंग की लाइटें हो गई, सोलार लाइट्स हो गई, ये फाउंटेन्स हो गए, इस तरह का जो इतना भी स्टफ है ना अच्छी खासी इनके पास वैरायटीज हैं। और इसके अलावा जिस तरह गार्डन एरिया जिस तरीके से लोग जो बैकयार्ड में जो चीज़ें रखते हैं पैटियो टेबल्स वगैरह अम्ब्रेला वगैरह, इस तरह की इनके पास भी काफ़ी इन्होंने वैरायटी रखी हुई है जो कि इनके स्टोर के अंदर है। और बाकी इस तरीके से जो गार्डन एरिया का जो ब्रिक्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी इनके पास वैरायटी है ब्रिक्स की, जो जिस तरीके से जो हम लोग जो प्लांट के सराउंडिंग में कुछ ब्रिक्स वगैरह लगा देते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, वो भी इस तरीके से। यहाँ पे जो सॉइल्स हैं काफ़ी सारी किस्मों की सॉइल्स हैं, जिसमें बहुत सारी यहाँ पे सॉइल की भी किस्में आती हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह टाइप की जो होती हैं, पॉट सॉइल्स होती हैं जो कि प्लांट को तेज़ी से ग्रो करती हैं। और इसी तरह मल्च की भी जो डिफरेंट जो चीज़ें थी वैरायटी थी मल्च की वो भी इन लोगों ने अच्छी खासी यहाँ पे रखी हुई है। और गार्डन्स के रॉक्स होते हैं जो छोटे छोटे वाइट रॉक्स होते हैं जो कि छोटे छोटे से होते हैं जो डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, और रेड ब्रिक्स होते हैं, ब्लैक्स
स्लेट टाइप के ब्रिक्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन बहुत ज़्यादा इनके पास तकरीबन सामान रखा हुआ है। और मेरी अभी कोशिश है कि मैं आपको एक दो और भी मैं व्लॉग में आपको तकरीबन मैं बना के दूँ गार्डन सेंटर से, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए, ताकि जिस तरीके से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि उसको जो डिस्क्रिप्शन का प्राइस का टैग है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ताकि आपको एक तो प्लांट्स का उसमें से थोड़ा सा नाम पता चल जाए और प्राइस, ताकि जिस तरीके से मैंने दो तीन अभी तक तो मैंने दो तीन जो गार्डन सेंटर्स की वीडियोस को अपलोड किया है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये सेम प्लांट्स तकरीबन यही वाले सेम प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट गार्डन सेंटर्स में भी हैं, सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो सिर्फ डिफरेंस है प्राइस का। तो बस मेरे भी इतनी सारी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ इसका मकसद यही है कि आप थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइजेस का, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो प्राइस है। आपको एक दो तो प्लांट लेने नहीं होते, जब लेते तो इंसान ज़्यादा ही लेता है, तो इसलिए तो जितनी ज़्यादा भी आप लोगों की सेविंग हो जाएगी वो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहर्स की या इसके अलावा और कोई भी मुझे गार्डन सेंटर जो नज़र आता है तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँ। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें। जब तक के लिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।